प्रश्नमाला 8B का अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे जो कि है भाग दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 9 बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई भागा 3 बाई। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। पहले देखिए भागा में है तो 3 बाई नीचे लिख लेंगे बटा में करके। उसके बाद देखिए ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में से 3 3 9 3 2 6 यानी 3 दोनों में है, बाई भी है, तो 3 बाई को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 बाई माइनस 2, ठीक है, अब बटा में 3 बाई। देखिए ये दोनों में से 3 बाई कॉमन ले लिए तो 3 3 9 बाई स्क्वायर, ठीक है, और इसमें से 3 बाई कॉमन लिए तो 2 बचेगा, 6 बाई में से 3 बाई कॉमन हो गया तो 2 बचेगा। तो देखिए 3 बाई से 3 बाई खत्म हो गया, भागा में है और ये दोनों गुना में है, तो बचा क्या, बचा 3 बाई माइनस 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए बी में हम डायरेक्ट इसको भागा में लिख दिए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, डायरेक्ट हम बटा में लिख दिए हैं, 4m से भागा हो रहा है ये, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है 4m से देखिए ये भागा हो रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको 4m नीचे लिख दिए हैं बटा में करके। बी देखिए यहाँ पे, तो इसको इसमें देखिए 4 है 26 है और 6 है, एम एम 1 है 2 है और यहाँ 3 है, तो 1m तीनों में कॉमन है और 2 निकल रहा है कॉमन, तो यहाँ पे 2m कॉमन ले लेंगे, 2m कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 m² यहाँ पे बचेगा इसमें, -13m + 3 दूनी 6m बटा कितना है 4m, ठीक है। यहाँ देखिए 2 नहीं यहाँ पे 3 होगा, देखिए 6 है तो 2 3 6 होता है, हम 2 लिख दिए गलती से, यहाँ पे होगा 3, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। अब देखिए देखिए 2m से m से m खत्म हो गया, गुना में है, ठीक है, और 2 दूनी 4 तो नीचे कितना बच गया 2 और ऊपर बच गया 2 2m² - 13m + 3। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 से देखिए यहाँ पे 2 कट गया तो बचा क्या, m² - 13m/2 + 3/2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, m² - 13/2m, m को हम बीच में लिख सकते हैं, इस तरह से आंसर दिया हुआ है, +3/2। तो देखिए ये कैसे हुआ, 2 से यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटा तो m² बचेगा इसमें, बाकी 2 से नहीं कट रहा तो बस बाकी में 2 नीचे नीचे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले हम ये इसमें से 2m कॉमन लिए थे तो 2m से ये कट गया, m से m और 2 दूनी 4, 2 नीचे बचा तो 2 से ये कट जाएगा 1 2, तो सिर्फ m² बचेगा अब। और देखिए बाकी में 2 से कुछ नहीं कट रहा तो बस 2 को नीचे नीचे लिख देंगे, 13m - 13m/2 + 3/2, तो m को हम बीच में लिख देंगे तो ये आंसर हो जाएगा m² - 13/2m + 3/2। ये देखिए सी में 8a³ b² - 6a² b³ + 7a² b² / - a² b² अब देखिए ये भागा में था तो हम इसको नीचे लिख दिए बटा में करके, ठीक है, क्वेश्चन में ये भागा में है तो यहाँ पे देखिए भागा में है तो इसको बटा में लिख देंगे। अब यहाँ पे -a² b² देखिए सब में है, ए स्क्वायर इसमें भी है, देखिए बी स्क्वायर भी है, a² b² -a² b² देखिए यही वाला कॉमन ले लेंगे, पहले देखेंगे जो भागा हो रहा है वो सब में कॉमन है कि नहीं, अगर है तो उसी को कॉमन ले लेंगे। देखिए -a² b² कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ पे 8a, ठीक है, माइनस में माइनस माइनस प्लस होते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो 8a बस बचा इसमें, देखिए -a² b² कॉमन निकल गया तो -8a बचा, यहाँ पे देखिए प्लस देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 6b, ठीक है, 6b सिर्फ बचेगा, ये 6 है ये b है। अब देखिए यहाँ पे माइनस से देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस 7, बस 7 यहाँ बचेगा क्योंकि a² b² कॉमन ले लिए हैं, बटा -a² b², ठीक है। अब देखिए ये खत्म हो गया, -a² b² - a² b² खत्म हो गया, बच गया क्या, -8a + 6b - 7, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, जो जिससे भागा रहा है उसी
उसी को देखेंगे कि कॉमन निकल रहा है कि नहीं। अगर निकलेगा तो उसको निकाल देना है और फिर काट देना है, तो जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ये देखिए डी का क्वेश्चन है, 21 एक्स स्क्वायर बाई जेड, जेड को हम इस तरह लिखे हैं, छोटा जेड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, -21 x² / -36 x² / -45 x / 3 x / z, 3 x / z से भागा हो रहा है तो इसको बटा में लिख देंगे। अब देखिए देखेंगे कि 3 x / z ये पूरा में कॉमन निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। तीनों में देखिए 3 x / z है, तो हम 3 x / z को कॉमन ले लेंगे, 3 x / z कॉमन लेंगे तो 3 × 7 = 21, एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 × 7 = 21 और 1 से 2 है तो एक्स यहाँ पे निकल जाएगा, -3 से 12, 12 × 2 = 26, 36 तो 12 बाई, यहाँ पे 22 सिर्फ लेंगे क्योंकि 22 2 है, -15 × 45 और जेड, ठीक है, यहाँ पे जेड 2 है, बटा 3 x / z, 3 x / z, 3 x / z खत्म हो गया। बच गया क्या, 7 x - 12 y - 15 z, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 7 x - 12 y - 15 z। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए, 24 PQR - 36 PQ + 48 QR / -12 Q। अब इसमें देखना है हमको कि भागा -12 Q हो रहा है तो हम बटा में लिख दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में भागा में दिया है तो इसको बटा में भी लिख सकते हैं। तो -12 Q देखना कि इसमें कॉमन निकल रहा है कि नहीं इन तीनों में। तो देखिए 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 36, 12 × 4 = 48 और पी क्यू है सब में, तो कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे -12 Q कॉमन ले लेंगे इन तीनों में। तो देखिए 12 × 2 = 24 और माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 12 × 2 = 24, ठीक है, क्यू है पहले से तो पी आर लिखेंगे सिर्फ। अब देखिए माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस देंगे, 12 × 36 क्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे पी देंगे क्योंकि पी यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे क्यू पहले से है। अब देखिए प्लस यहाँ पे देंगे, माइनस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 × 4 = 48 तो 4 देंगे, क्यू है तो सिर्फ आर देंगे यहाँ पे, ठीक है, बटा -12 Q, 12 - 12 Q, -12 Q खत्म हो गया क्योंकि भागा में हुआ है। बच गया क्या, -2 PR + 3 P - 4 R, यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ है, 44 AQ, 44 A³ 3, B³ 7, -121, A³ 8, B³ 5 +33 A³ 6, B³ 3 बटा, मतलब भागा में 22 A³ 3 B³ 3, ठीक है, ये भागा में है तो इस तरह पहले हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 22 22 कॉमन निकल रहा है तीनों में, तो नहीं निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 121 है, तीन दोनों में 22 नहीं आता है, तो हम 11 कॉमन ले लेंगे, तो 11 और देखिए A 3 है सबसे कम, तो A 3 ले लेंगे कॉमन, और B 3 B³³ 3 और A³ 3 कॉमन ले लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 11 × 44, A³ 3 कॉमन निकल गया, B³ 3 कॉमन निकल गया, तो बच गया क्या, B³ 4, देखिए 4 × 3 = 7 होता है, ठीक है, -11 × 11 होता है 121, तो A³ 5 हो जाएगा क्योंकि वहां पे 3 है, तो यहाँ पे 5 बचा, और B² 2 क्योंकि यहाँ पे 3 × 2 = 5 होगा, ठीक है, प्लस में 11 × 33 A³ 3, अब B³ 3 निकल गया तो इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 22 AQ AQ BQ, ठीक है। अब देखिए AQ BQ तो खत्म हो गया पूरा, AQ BQ और 11 × 2 = 22, ठीक है, तो 2 नीचे बचा है, 2 नीचे बचा है, तो देखिए 2 से 2 नीचे बचा है तो 2 से इसको काटेंगे, 2 × 2 = 4, तो यहां पे बचेगा 2 B³ 4 -11 11/2, ठीक है, A⁵ 5 और B⁵ 2 +3/2 A⁵ 3, तो देखिए यही आंसर हो जाएगा, 2 B⁴ 4 -11/2 A⁵ 5 B⁵ 2, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है, A⁵ 5 B⁵ 2, यहाँ पे गलती से हो गया था, ये कुछ नहीं है, ठीक है, तो 11/2 A⁵ 5 B⁵ 2 +3/2 A⁵ 3, ये आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से ये कट रहा था, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे सिर्फ
दो, दो से कट गया चार दो बार में, तो दो बी का घात चार बचा, तो यहाँ पे लिख दिए। बाकी में दो से नहीं कट रहा है, तो बस उसके नीचे दो लिखते जाएंगे, तो 11/2 हो गया। और ए का घात 5, बी का घात 2 बीच में लिखते जाएंगे साथ में, प्लस यहाँ भी देखिए 3/2 लिख देंगे, ये वाला 2 यहाँ आ गया, 3/2 ए का घात 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें।